नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कृष्णा कैंसर एड एसोसिएशन डीएनएच द्वारा तमाम जगहों पर जिस तरह से पिछले कई वर्षों से साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और लोग भी फिट रहें, इसके साथ ही पिछले दिनों ही साइक्लोथॉन का किया गया आयोजन जिसमें तमाम लोगों ने लिया हिस्सा। सुनिए इस दौरान तमाम लोगों ने हमसे क्या बात की। सबको कॉन्फ्रेंस पे ले फटाफट मीना के सही। ग्रीन कलर का बैंड, आपको कौन सी कलर का बैंड कलेक्ट करना है? ग्रीन कलर का, और वो कलेक्ट करना है आपको। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1 and go! All the best to all of you. On the count of 5, 4, 3, 2, 1 and go! आपके पास व्हाइट कलर का बैंड होना बहुत जरूरी है। सब लोग आराम से एंजॉय करते हुए साइकिल का राइड कंप्लीट कीजिए। Actually, look here. आप जिनको नहीं जानते हैं उनके साथ भी अपनी मैं बताना चाहूँगी, कृष्णा कैंसर एड एसोसिएशन 15 सालों से अवेयरनेस के क्षेत्र में काम कर रही है। हमारा मेन मुद्दा है लोगों में अवेयरनेस लाना, जिससे कि लोगों को कैंसर हो ही ना। हम लोगों का यही रहता है कि कैंसर होने से पहले रोकें। और जो ये साइकिल है, इससे हमें दो फायदे हैं। एक तो प्रदूषण मुक्त होते हैं, हवा में प्रदूषण नहीं रहेगा तो आपको श्वास संबंधी कोई बीमारी नहीं रहेगी। और दूसरा है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। और हमारा जो सिलवासा है, जो अग्रणी है अभी सिलवासा स्मार्ट सिटी में, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे शहर में प्रदूषण बढ़े, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं जगह जगह इतनी गाड़ियां हो रही हैं, इतना प्रदूषण हो रहा है। जो हमारा प्रशासन का इतना इसके ऊपर ध्यान है कि सिलवासा में किसी तरीके का प्रदूषण नहीं है, साइकिल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। हमका उद्घाटन आज RDC खानबेल रिश्ता गुप्ता जी ने किया। इसमें बच्चे और कंपनी के लोग मिलकर के लगभग 250 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स की तरफ से एक इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसके तहत करीब 100 सिटीज स्मार्ट सिटीज इसमें भाग लिए, जिसमें हमारा स्मार्ट सिटी भी भाग लिया। और उस 100 में से 100 में से हमारे स्मार्ट सिटी का 25 के अंदर हमारे सिलवासा स्मार्ट सिटी का चयन हुआ है कि यहाँ हम साइकिल को बढ़ावा दें और साइकिल के लायक यहाँ शहर को बनाया जाए। कैसे बनाया जाए ये हम लोगों ने उनको बताया और करके उसका एग्जांपल जो है वो करके दिखाया। तो आज हमारी स्मार्ट सिटी सिलवासा स्मार्ट सिटी उन 25 शहरों में है जहाँ की चुना गया है कि हम अगले इसके लिए अगले
प्रोग्राम के लिए हमें शामिल किया गया है। और जैसा कि स्मार्ट सिटी कर रही है कि साइकिल के लिए यहाँ लोगों को बढ़ावा देना अच्छा काम है, और इनका KCAA द्वारा जो है इनके जो है वो बूस्टर डोज है सिलवासा स्मार्ट सिटी के इस इंडिया साइकिल्स को चेन चैलेंज प्रोग्राम में बूस्टर डोज है। और भी लोग ऐसे आगे आ जाएं, और भी NGO आगे आ जाएं, और एक साइकिल फ्रेंडली अगर शहर बन जाए तो बहुत अच्छा होगा यहाँ शहर के लिए भी और लोगों के लिए भी। नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता। सुबह सुबह जिस तरह से शुरुआत हुई थी दादरा नगर हवेली, आज संडे है और तमाम जो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ये लोग साइकिलिंग में कहीं ना कहीं अपना नाम हर जगह पर दर्ज करा रहे हैं, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय लेवल पर। इस वक्त तमाम जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से KCAA द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसमें हिस्सा लिए, विजेता हुए और किस तरह का संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने किलोमीटर का दौड़ आज आपने यहाँ पर मतलब साइकिल द्वारा लगाया है और किस तरह से आपको क्या विजेता प्राप्त हुई है? सर 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर आपने दौड़ लगाया, क्या नाम है आपका? इरशान अहमद। तो इरशान जी ने बताया जिस तरह से 22 किलोमीटर दौड़े हैं, आप सिलवासा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिलवासा स्मार्ट सिटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं साइकिल के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे जो तमाम चीजें हैं लगातार बढ़ चढ़कर इन चीजों में हिस्सा लेते आए हैं और जिस तरह से आज साइकिलिंग में एक नया एक देखने को मिला कि तमाम जो KCAA द्वारा जिस तरह के कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया, बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया बढ़ चढ़कर, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? एक तो इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतना अच्छा इवेंट किया कृष्णा, जो भी है काफ़ी अच्छा लगा। नॉर्मल लोग अभी पहले से काफ़ी एक्टिव हो गए, लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, सब साइकिलिंग कर रहे हैं, अच्छा मतलब प्रमोट कर रहे हैं साइकिलिंग को। हम भी साइकिलिंग को सिलवासा स्मार्ट सिटी से साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं और प्लस यही है कि और यही बोलेंगे कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा इवेंट होगा और अच्छे लोग पार्टिसिपेट करेंगे जी। कि मैं ये खास तौर पर ये कहना चाहूँगा जिस तरह से सिलवासा स्मार्ट सिटी के द्वारा जो लगातार प्रशासन इन चीज़ों को पर्यावरण को लेकर कहीं ना कहीं अग्रसर नजर आ रही है, इस दौरान जो तमाम चीज़ें बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं, तमाम जो लोग इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का इनमें आगे चढ़कर बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आगे चल के यही करना चाहिए सबको कि लोग डेली एक घंटा अपने लिए निकालें, एक घंटा डेली लोग साइकिलिंग करें, क्योंकि आज के टाइम में पॉल्यूशन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, गाड़ी मतलब आप देख ही रहे हो पॉल्यूशन क्या हालत है नॉर्मली, बट एक घंटा हर किसी को निकालना चाहिए साइकिलिंग। ये थे अब्दुल जी जिन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के द्वारा किस तरह से लगातार जो चीज़ें हैं हमेशा बढ़ चढ़ कर लोग नजर आ रहे हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह से प्रशासन भी अग्रसर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं तमाम जो NGOs हैं लगातार ये कोशिश करते आ रहे हैं कि किस तरह से इन चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। 12 वर्ष की ये लड़की आज इस तरह से यहाँ पर जो साइकिलिंग की है और किस तरह से यहाँ पर विजेता बनी है, आइए जानते हैं क्या है ये चीज़ें जो जिस तरह से आज आप बता रही हैं। जैसे आपके यहाँ पर मुझे पता चला कि आपका उम्र 12 वर्ष है, आज आपने साइकिलिंग की, किस तरह का था ये कार्यक्रम और कैसा लगा? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा था और इसमें 30 किलोमीटर साइकिलिंग में मैं फर्स्ट आई। क्या नाम है आपका? सिया देसाई। महिलाओं के प्रति कोई मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची है आप और तमाम जो लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे चैनल से महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इसमें देखती हैं हमारे चैनल को, तो क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को? साइकिलिंग एक यूनिसेक्स स्पोर्ट है और उसमें सबको पार्ट लेना चाहिए और एक घंटा निकाल के पॉल्यूशन के लिए वजह से हेल्थ भी अच्छी रहती है जी। ये तमाम चीज़ों के बाद अगर हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में किस तरह से किसका कितना रोल रहा है, तो उस जगह पे हमारे साथ सोनिया जी इस वक्त मौजूद हैं जो लगातार पिछले कई वर्षों से दादरा नगर हवेली में उन तमाम लोगों को हमेशा बढ़ चढ़ कर मदद करती रही हैं जो लोग सिलवासा के प्रति अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहती हैं। सोनिया जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक अलग तरह का जो माहौल बन गया सिलवासा में, सुबह सुबह लगातार आप लोग फिटनेस को लेकर कहीं ना कहीं हमेशा बढ़ चढ़ कर नजर आती हैं, तो आज इस यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो हमारा एक मंत्र है फिटनेस का डोज, आधा घंटा साइकिल रोज, तो इससे हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें मैं मेन लेडीज़ के लिए बोलना चाहूँगी जो वुमेन्स हैं हमारी, कि आधा घंटा अपने लिए निकालिए, चाहे वो आप साइकिलिंग करिए या आप अपने लिए एक वॉकिंग के लिए टाइम निकालिए, तो एक अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, क्योंकि सिलवासा अभी काफ़ी लाइक चेंज होता जा रहा है। अभी हर फैमिलीज़ आप सुबह देखेंगे तो रिंग रोड की साइड में आप तमाम फैमिलीज़ देखेंगे जो वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और ये जो माहौल है ये एक स्मार्ट सिटी की तरफ एक अच्छा कदम हमें देखने को मतलब अभी से उसका एक एग्जांपल हमें मिल रहा है जी। ये तमाम लोग हैं जिस तरह से बताया कि किस तरह से साइकिलिंग जो है लगातार सभी के लिए बढ़ चढ़ कर होता है, इस वक्त साथ में तमाम जो लोग हैं जुड़ चुके हैं, और इस वक्त क्या कहना चाहेंगे जो लगातार महिलाओं के लिए खासतौर पर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बात बात पर कि महिलाएं अपने परिवार को हमेशा दुरुस्त बना के जो रखती हैं उनमें कहीं ना कहीं महिलाओं का सबसे बड़ा रोल रहता है। अगर महिला खुद ब खुद अपने ऊपर अगर पहली बार ध्यान दे तो वो अगर
तंदुरुस्त और स्वस्थ रहे तो वो अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकती है। इसलिए हर महिला को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए साइकिलिंग या वॉकिंग जैसे एक्सरसाइज करते रहना चाहिए और फिर अपने साथ अपने फैमिली को भी साथ लेकर तंदुरुस्त रहना चाहिए। जी, तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से तमाम लोग जुड़े और सभी लोगों ने एक ही चीज़ कहा कि साइकिलिंग हो या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें, उनमें हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि अपने और अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सभी लोग बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों में हिस्सा लेते रहें। कैमरा पर्सन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, सिलवासा।